मैडम सेंटर तो मजामा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत अप्रिसिएशन मिला है, ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी है फिल्म, और ना कि सिर्फ यूथ लेकिन पूरी फैमिलीज देख रहे हैं इस फिल्म को, और वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया है अब, और इस बात की बहुत खुशी है हमें कि सभी परिवार के सदस्य इस फिल्म को देख रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं जो हमने इस फिल्म में दर्शाया है। मैम, ओटीटी मीडियम कितना एक बड़ा वरदान है, खासकर फीमेल सेंट्रिक जो सब्जेक्ट होते हैं या फीमेल आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वेल, हाँ ज़रूर, क्योंकि मेरे पूरे करियर में आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे और पावरफुल रोल्स मिले। और ओटीटी के आगमन से क्या हुआ है कि विमेन सेंट्रिक फिल्म्स और जो विमेन सेंट्रिक सीरीज़ है, जहाँ पे औरतें जो है वो पूरी सीरीज़ कैरी करती हैं अपने शोल्डर पे, ऐसी सीरीज, क्योंकि वहाँ पे फिल्म की तरह ये नहीं सोचना पड़ता कि थिएटर में जाएगी तो पहले फ्राइडे को कितनी कमानी चाहिए, तो वो सब कंस्ट्रेंट्स नहीं है। आप अपनी कहानी अपने तरीके से और अपने भाषा में बता सकते हैं। जी, नहीं, अच्छा है, क्योंकि आई थिंक एज वी प्रोग्रेस, आर्ट है इमिटेट्स लाइफ और लाइफ इमिटेट्स आर्ट, और जैसे हम देखते हैं कि इतनी सारी लड़कियां औरतें हर फील्ड में आगे आ रही हैं, हर फील्ड में वो अपना रुतबा बना रही हैं, और वो हम ट्रांसलेट करते हैं कि वैसी फिल्में भी बनेंगी और वैसी सीरीज़ भी बनेगी, और विमेन का जो किरदार है वो बहुत चेंज हो गया है, और सिर्फ एक कोई अवेंजर या ऐसे नहीं रही, वो कैरिकेचर्स नहीं रहे, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और एज पीपल भी दर्शा रहे हमें स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। हाँ, सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थोड़ा पीछे ओ भाई, कैमरा नीचे, कैमरा आ रहा तुम्हारा। Thank you.